द हीट ऑफ हेट। संध्या और पारुल की जिंदगियां बचपन से ही जुड़ी हुई थी। दोनों बचपन की सहेलियां जो थीं, दोनों साथ साथ ही पढ़ लिख कर बड़ी हुई और बड़ी होने पर दोनों ने लगभग एक ही वक्त पर शादी कर लेने का फैसला भी किया। संध्या की शादी हुई राज से और पारुल ब्रिजेश से शादी कर चुकी थी। कुछ सालों तक दोनों सहेलियां पहले की तरह ही मिलती रहीं, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि दोनों अपने अपने पतियों के साथ अलग अलग शहर में शिफ्ट हो गई। संध्या अलग शहर में जाकर राज के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बसर कर रही थी। उसे पारुल की याद तो आती पर मिलने का आसार बहुत ही कम था, और वहाँ पारुल भी अलग शहर में अब अपने पति ब्रिजेश के साथ कई साल काट चुकी थी बिना संध्या से मिले हुए। दोनों दोस्तों को कभी नहीं लगा था कि वो एक दूसरे से अलग होकर भी जी पाएंगे, पर ये वक्त भी उन्होंने बिता ही लिया था। कुछ सालों के बाद यूं हुआ कि संध्या के पति राज की अचानक एक हादसे में मौत हो गई। अब संध्या एकदम से अकेली रह गई थी। उसे अपना शहर, अपने लोग बहुत याद आते, इसलिए संध्या राज के जाने के बाद वापस आ गई अपने शहर। जब पारुल को पता चला तो वो संध्या से मिलने उसी शहर में लौट आई। संध्या को अकेले दुखी देखकर पारुल बहुत अपसेट हो जाया करती। कभी जब वो संध्या को अपने साथ शॉपिंग ले जाती या पिक्चर दिखाने ले जाती तो वो उम्मीद करती कि संध्या का मूड थोड़ा सा बदल जाए, लेकिन कई बार यूं होता कि संध्या का मूड तो जैसे का तैसा ही रहता। उल्टा पारुल आए गए के साथ लड़ाई कर लिया करती। छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा कर वो अपने आप को विक्टिम बताया करती। वक्त लगा, लेकिन संध्या ने फिर से हंसना, बातें करना, प्यार बांटना शुरू कर दिया था। वो अब भी पहले की तरह ही लोगों का दर्द समझती, उनकी मदद के लिए तैयार रहती, किसी और को खुश देखकर अपने आप को खुश कर लिया करती। लेकिन दूसरी ओर पारुल अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो अब बहुत नाखुश दिखाई दिया करती। संध्या को मिलने आई पारुल को जब शहर आए हुए महीना भर हो चुका था, तो संध्या ने एक दिन फिर पूछ ही लिया कि ब्रिजेश कैसे हैं। पारुल ने जवाब दिया, ठीक ही होगा, जहाँ भी होगा। संध्या हैरान हुई, ये कैसा जवाब हुआ पारुल, पूछा संध्या ने। वो हमारा तलाक हुए साल भर हो चुका है, जवाब दिया पारुल ने। पारुल ने फिर संध्या को बताया कि किस तरह ब्रिजेश के माता पिता की ओर से कुछ इंटरफेरेंस रहता था उनकी शादी में, कैसे आपसी प्रॉब्लम्स की वजह से दोनों ने शादी को ख़त्म करने का फैसला कर दिया था। पारुल ने संध्या को सारी बातें बताई, कैसे ब्रिजेश अपने माता पिता के अलावा किसी से रिश्ता नहीं निभा पाया था, ना रिश्तेदारों से और ना पारुल से, कैसे उसका हर किसी से मन मुटाव रखना उस पर भारी पड़ता था। संध्या ने जब ये सारी बातें सुनी तो वो कुछ समझने लगी कि उसकी सहेली इतनी बदली हुई सी क्यों लग रही थी। पारुल लंबे समय तक संध्या के साथ ही रुकी रही। पारुल ने संध्या को कई बार अकेले में रोते हुए भी देखा, लेकिन जैसे ही संध्या किसी से भी मिलती तो वो अपना गम भुला करके उनके साथ घुल मिल जाती। वो अपनी बातों को एक तरफ रख कर अभी भी सबकी बातें सुना करती, और किसी से कोई गिला शिकवा नहीं था उसे, ना किसी आने जाने वाले से, ना किस्मत से, ना जिंदगी से। पारुल ने एक दिन बातों बातों में संध्या से कह ही दिया कि संध्या तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम्हें बहुत हिम्मत है, जो तुम पे गुजरी है उसके बावजूद तुम इतने सारे रिश्तों को बिल्कुल पहले की तरह निभा रही हो, कैसे कर लेती हो तुम ये सब। मैं तो ब्रिजेश के परिवार से भी अब ना क्लोज रही हूँ और ना अपने किसी परिवार वाले के। पारुल की इस बात के जवाब में संध्या के पास कहने को बस एक ही चीज़ थी। शादी के पहले कुछ साल बहुत मुश्किल था सब कुछ संभालना, समझना, लेकिन थोड़ा राज ने मुझे सिखाया और थोड़ा सा मैं भी उम्मीद करती हूँ शायद मैंने भी राज को सिखाया होगा। और आज ऐसा माहौल है कि चाहे जो होता हो जाए, मैं राज की तरह ही वक्त देकर सिचुएशन को समझ करके काम लेती हूँ। मोहब्बत में ऐसा ही होता है ना, हम एक दूसरे की तरह बन जाते हैं। पारुल ने कहा, होता होगा, शायद नफरत भी मोहब्बत की नकल ही करती है, क्योंकि तुम आज वो पारुल हो ही नहीं जिसे मैं बचपन से जानती हूँ। ब्रिजेश की जिन सारी बातों से तुम नफरत करती हो, ऐसा लगता है कि आज तुम वही सारी बातें खुद कर रही हो। उसका अपने रिश्तेदारों से रिश्ता ना निभा पाना, उसका तुम्हें हर बात का जिम्मेदार ठहराना, और उसके जहन में सिर्फ उसके माँ बाप का 2400 घंटे रहना, सोचो तो तुम्हारा भी आज बिल्कुल यही हाल है। तुम किसी रिश्तेदार से मिलना जुलना नहीं चाहती,
तुम हर बात के लिए उल्टा ब्रजेश को जिम्मेदार ठहरा देती हो और उसके माँ बाप देखा जाए तो तुम्हारे जहन में भी 24 घंटे रहते हैं क्योंकि तुम 24 घंटे उनसे पूरे दिल से नफरत कर रही हो। उनसे नफरत ना करूं तो मैं क्या करूं? कहा पारुल ने। मेरी जिंदगी खराब पारुल। वहीं पर संध्या ने पारुल को टोक दिया। मैं जानती हूं कि तुमने बहुत दर्द देखा है, लेकिन ये भी तो मुमकिन है ना कि उस बुरे वक्त में जो कुछ हुआ उससे आगे बढ़ के तुम्हें सुकून मिल जाए, लेकिन वो सुकून तुम्हें नफरत से नहीं मिलेगा, हाँ शायद माफ़ कर देने से मिल सकता है।